हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लेता हूँ HTML में मार्की टैग का यूज करना। मार्की टैग का क्या यूज है तो मैं आगे इस वीडियो में आपके लिए ताने वाला हूँ। तो यहाँ से जो मेरी पुरानी फाइल है मैंने यहाँ से जो ओपन कर ली है और यहाँ से इसका जो आउटपुट है यहाँ से आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक तरफ इसका जो आउटपुट है यहाँ से ब्राउजर में यहाँ पर दिख रहा है और एक तरफ ये कोडिंग है वो दिख रही है। अब यहाँ पर हम जो मार्की टैग है उसका यूज करेंगे तो क्या यूज है तो मैं आगे इसमें आपके लिए एग्जाम्पल के साथ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर टैग, कंप्यूटर टैग लिख दिया। उसी के यहाँ पर बराबर में यहाँ पर लिखेंगे मार्क्यू टैग लगाएंगे, MARQUE मार्क्यू लिख दिया। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे, उसके बाद यहाँ से पेज के लिए रिफ्रेश करेंगे। पेज के लिए रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से जो हमारा कंप्यूटर टैग लिखा हुआ है वो हमारा राइट से लेफ्ट की ओर ये मूव होता हुआ दिखेगा। तो ये लाइन ये चलने लगेगी, जो भी इस लाइन में आप लिखोगे वो पूरी लाइन क्या है चलने लगेगी। तो यहाँ से अब हम ये चाहते हैं जो कंप्यूटर टैग लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड में कोई कलर आने लगे, तो उससे हमें क्या करना है, इसी में जो हमारा मार्क्यू टैग लिखा हुआ है इसी में एक बार कर्सर रखेंगे और यहाँ से स्पेस दबाएंगे और यहाँ से लिखेंगे बीजी कलर। बीजी कलर लिख दिया, उसके बाद यहाँ से इक्वल दबाएंगे और यहाँ से डबल पोज और यहाँ से कलर कैसा चाहिए वो नाम लिखेंगे कलर का। जैसे कि मैंने यहाँ से लिख दिया येलो। लिखने के बाद यहाँ से हम कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से पेज के लिए रिप्रेस करेंगे। तो यहाँ से जो क्या हमारा जो येलो कलर लिखा हुआ है वो हमारा बैकग्राउंड में आने लगेगा। तो यहाँ से हमने इसका क्या है बीजी कलर भी लगा दिया। अगर इसमें हम जो कंप्यूटर टैग लिखा हुआ है ये हमारा क्या है लेफ्ट से राइट की ओर आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि ये राइट से लेफ्ट की ओर जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी में हमारे लिए डायरेक्शन वाला भी टैग लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से येलो लिखा हुआ है यहीं से एक बार कर्सर रखेंगे और यहाँ से स्पेस दबाएंगे, उसके बाद यहाँ से डायरेक्शन लिखेंगे DIRECTION। इतना लिखने के बाद यहाँ से इक्वल दबाएंगे, इक्वल दबाएंगे डबल फोर्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप किस दिशा में यहाँ से इसे मूव कराना चाहते हैं तो वो लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से लिख दिया राइट, RIGHT राइट। लिखने के बाद यहाँ से कंट्रोल एस कर दिए, उसके बाद यहाँ से पेज के लिए रिप्रेस करेंगे। तो यही के बाद किया हमारा ये राइट की ओर जाने लगेगा। जैसे कि यहाँ से अगर आप या डाउन चाहते हो या फिर लेफ्ट चाहते हो तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं लिख दिया अप लिख दिया, उसके बाद यहाँ से मैंने इसे कंट्रोल एस कर दिया, उसके बाद यहाँ पेज के लिए रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या है अप की ओर जाने लगेगा। ऐसे हम डाउन का लगाएंगे तो यहाँ से ये डाउन का लगा सकते हैं। डाउन लिख दिया, उसके बाद यहाँ से कंट्रोल एस कर दिया, उसके बाद यहाँ से पेज के लिए रिफ्रेश करेंगे तो ये डाउन की ओर जाने लगेगा। तो इस कंडीशन से आप जो मार्क्यू टैग है उसका यूज करके देख सकते हैं। तो गाइस आपके लिए वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना।